सभी को प्रेम नमन। आइए शुरुआत करते हैं। सभी को प्रेम वंदन। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसपास के फरिश्तों से सहायता कैसे लें और अनुभव कैसे करें। अब आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में बताया है। हम तो जो भी हमारे आसपास फरिश्ते होते हैं, एंजल्स होते हैं, डेफिनेटली कुछ तो है। अब सभी माने ना माने, जिनको नहीं माने वो अपने घर बैठे, मुझे सबको मनवाने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ में आएगा उनको समझ में आएगा। एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास में सभी जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव तो होता है। कुछ ऐसा है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से पार है, कुछ ऐसा है जो आपकी सोच से बढ़कर है, कुछ ऐसा है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। और वो किसी के पिताजी का गुलाम नहीं है, वो किसी विज्ञान के अधीन नहीं है, वो आपके नियमों के अधीन नहीं है, बल्कि सब उसके अधीन है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है उस महा चमत्कारी, उस परम दिव्य सत्ता को और उसके साथ जुड़े हुए एंजल्स। क्या होते हैं ये एंजल्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो एंजल्स क्या होते हैं और एंजल्स के साथ हम कैसे कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि जिसको हम एंजल बोलते हैं, जिसको हम तो अपने आसपास के जो फरिश्ते होते हैं उनका अनुभव कैसे करें, उनका अनुभव कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम अपने हमारे आसपास में जो एंजल्स हैं उनका अनुभव हम कैसे करते हैं। एंजल्स होते कौन है, किसको बोलते हैं एंजल? एंजल्स के कुछ बातें हैं। एंजल जैसे परमात्मा के एजेंट, परमात्मा से जो कनेक्टेड है, जो इंसान और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है वो एंजल्स हैं। बीच में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां जो कि इंसान को भी समझती हैं और वो परमात्मा को भी कनेक्ट करती हैं। तो दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है एंजल्स। हम परमात्मा को सीधे सीधे तो एंजल नहीं कह देते, बट परमात्मा के साथ जुड़े हुए जो उन दिव्य शक्तियों को हम एंजल बोल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी से सभी परिचित हैं, कहने की जरूरत नहीं। एक पूरे यूनिवर्स में जो है ना उनका उनका सम्मान है, केवल भारत देश ही नहीं, अन्य सभी 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 लोगों में, सभी जीवों में किसी न किसी रूप में हनुमान जी के प्रति एक विराट सम्मान। एक ऐसी महाशक्ति जिन्हें आप कभी भी भयभीत होते हैं तो आप उन्हें बुलाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो सुप्रीम पावर है, इज द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, नो ही इज नॉट, राइट? बट ही इज ए वेरी वेरी इज ए ग्रेट पावर जिसे आप हम इंसान जब जब जरूरत पड़ती है उन्हें शक्ति के रूप में देखते हैं, अपनी ताकत के रूप में देखते हैं और उन्हें इन्वाइट करते हैं इसी रूप में, राइट? तो हम अपने एंजल्स को हम इस तरह से इन्वाइट करते हैं, अपने एंजल्स को हम इस रूप में फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो एंजल्स का मतलब क्या होता है? ओवरऑल एंजल का मतलब हमारी सीधी सीधी भाषा में कहें तो वो शक्तियां, वो दिव्य शक्तियां जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उनका अनुभव हमें अनुभव में जरूर आती हैं। और जब ये हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटने शुरू हो जाते हैं, बहुत कुछ होने शुरू हो जाता है। और ये मजे की बात है कि कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जिनके साथ ये शक्तियां बचपन से रहती हैं, ये दिव्य शक्तियां बाय बर्थ उनके साथ होती हैं, चाहे वो उन्हें पहचाने ना पहचाने। लेकिन ऐसे लोगों का जीवन चमत्कार से भरा होता है। कितने लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बचपन से कुछ ना कुछ विशेष होता रहा है जो ह्यूमन एक्सप्लेनेशन से बाहर था? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? जरा ये यूट्यूब वाले भी एक बार लाइक भी कर दें और जरा इसका अनुभव भी कर लें। यूट्यूब वाले जरा मित्रों, सभी से निवेदन है, कितने लोगों ने जीवन में चमत्कारों का अनुभव किया है कि मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे, कि ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में वो सदा से वो जो चमत्कार घटित हुए हैं वो जो चमत्कार घटित हुए हैं मेरे जीवन में वो सदा से मेरे पास, वो मेरे जीवन में उन्होंने बहुत कुछ बदल के रख दिया लेकिन उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसा हुआ जो मेरी सोच से परे था, कुछ ऐसा हुआ जो मेरी मेरे ख्यालों से परे था। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। जिस समय मैंने 10th क्लास के बाद मैं जब
आगे के लिए सोच रहा था कि फ्यूचर में क्या किया जाए, 11th क्लास में जाया जाए या कोई कोर्स किया जाए। तो उस समय में हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई कोई खास नहीं होती थी, तो उस समय का एक जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि मैं मुझे नहीं पता कि वो मैं यूनिवर्स मुझसे क्या चाहता था, पर उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया हो। तो मैं उस समय में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मैं आगे पढ़ाई करूं, ये था कि चलो कुछ छोटा मोटा कोर्स सीख लो। पिताजी चाहते थे कि मैं टेलरिंग कर लूं, तो वो टेलर का कोर्स करवाना चाहते थे। तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक एक मैं कहीं किसी जगह पर खड़ा हूँ और एक व्हाइट मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति जो है दिव्य, उसकी उनका जो सफेद कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ है, वो मेरे पास आकर रोकते हैं और बड़ी ही जोरदार ताकत भरी उनकी आवाज थी और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ फटाफट जाकर एडमिशन लो, आज आखिरी दिन है, एडमिशन लो कॉलेज में जहाँ +1 करने के लिए आज आखिरी दिन है। उनको कैसे पता कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरे को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे लिए एक विराट चमत्कार था कि हुआ कैसे, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, कौन है और मुझे क्या करने के लिए आए हैं, और उन्होंने इतनी अथॉरिटी के साथ मुझे बोला कैसे कैसे बोला कि ये तुम्हारा आज आखिरी दिन है, जाओ और एडमिशन लो, कहां से आई है ताकत। तो उस ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार जीवन में घटित हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपने कोई प्रार्थना करी, अनजान रूप से कोई ना कोई सहायता आपको आपको उपलब्ध हुई, आपकी प्रार्थना नहीं भी थी तभी भी ऐसा लगता था कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और आपकी सहायता कर रही है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? जो लोग यूट्यूब पर हैं जरा एक बार लाइक भी कर दें सभी लोग, प्लीज सभी लोग लाइक कर दें और फील करें जरा अच्छे से, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी कंजूसी करते हैं भाई, बड़ी कंजूसी करते हैं यहाँ पर। आपको अभी एंटरटेनमेंट का कोई अरे गरे वीडियो होते हैं ना, लोग ऐसे भर भर के देखते हैं, ऐसे व्यर्थ की चीजों में इतना समय है, और जब कुछ काम की बात बताई जा रही है तो समय नहीं होता लोगों के पास, लाइक भी नहीं करना जानते। और ये इनको देख लो, जूम वालों को, इनके तो भूल ही जाओ, इनसे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। इनको लगता है कि सब घर बैठे बैठे फैसिलिटी मिल जाए और हमें अपनी तरफ से कुछ भी ना करना पड़े, हमें अपनी तरफ से कुछ भी ना करना पड़े। ये वाला हैंड रेज मत कीजिए, मूर्खता मत कीजिए, समय मत बर्बाद कीजिए हमारा। जब कहा है कैमरे के सामने करना है तो करो, नहीं तो मत करो, डोंट डू दैट, मेरे लिए एक और सिरदर्दी मत बनाइए। इंपॉर्टेंट काम क्या है, अब अगर आपको समझना है कि एंजल्स मेरे जीवन में सदा से चमत्कार दिखाते रहे हैं, एंजल आपके साथ हैं। दिक्कत क्या है, हमारा ये जितने ज्यादा हम लॉजिकल होते चले जा रहे हैं उतना ज्यादा हम एंजेलिक दुनिया से दूर हो रहे हैं। पहले देवी देवता आम प्रकट हो जाया करते थे, सोच के देखिए, पहले एक्सप्लेनेशन आती है ना, महाभारत काल में जो पांडवों की माँ थी उन्होंने याद किया भगवान सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव रूप में प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव को याद किया, इंद्रदेव प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। आजकल क्यों नहीं प्रकट हो सकते, अभी भी होते हैं। दिक्कत क्या है, जितना जितना हम लॉजिकल होते जा रहे हैं उतना उतना हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। भगवान शिव, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सद्गुरुदेव भगवान अनेक अनेक चमत्कार दिखा दिखा कर दुनिया को बताते हैं, लेकिन वास्तव में दिक्कत क्या है, भगवान को चमत्कारों के अधीन नहीं है, भगवान को चमत्कारों के अधीन नहीं है कि चमत्कार दिखाए तभी भगवान है। अरे उसी के कारण तुम हो, इसी के कारण ये साइंस है, उसी के कारण ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। कोई कहे कि नहीं, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, तुम्हारे विश्वास करने या ना करने से भगवान कोई थोड़ी बदल जाएंगे, कोई एंजल थोड़ी बदल जाएंगे। आपके विश्वास को, अपने विश्वास को रखो। घर में ऐसी करोड़ों चीजें हैं जिनके बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते। प्रेम के बारे में बोल सकते हो, बोलो प्रेम के बारे में बता सकते हो, प्रेम क्या होता है, एनीबडी कैन एक्सप्लेन, है किसी के बाप की औकात एक्सप्लेन करने, नहीं है, नहीं समझा सकते आप प्रेम क्या है, किसी को किसी बात पे किसी चीज से प्रेम हो आपको क्या पता, कैन यू एक्सप्लेन दैट, नो। सुंदरता क्या है, कैन यू एक्सप्लेन दैट, नो यू कैन नॉट, नहीं कर सकते। अनेक अनेक ऐसी चीजें हैं। जीवन क्या है, बोल सकते हो, इंसान को पैदा कर सकते हो, संसार में किसी को ला सकते हो, औकात है किसी की, कोई औकात नहीं। मृत्यु को रोक सकते हो, एक सांस किसी को एक्स्ट्रा दिलवा सकते हो, नहीं, आपके पास किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है। तो अनेक चीजें हैं जहां पर साइंस बार बार हर जगह लॉजिक 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 जो करते हैं उनको बोलो शांत बैठ जाए। कभी कभी कुछ चीजों के लिए बोलना पड़ता है, बात को समझाना जरूरी हो जाता है, हर जगह लॉजिक से बात नहीं बनती, राइट? बहुत अच्छे से समझ लें। अच्छा, जो लोग बैठे हैं जरा सभी लोग एक बार वीडियो लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दें। जो वो बेवकूफी भरे वीडियो आप लाइक कर देते हो, कुछ शर्म किया करो, कभी कभी बोलना पड़ता है,
वहां कैसे कैसे लोगों के ऐरे गहरे, कोई अभी हंसी ठट्ठे वाली कोई बात होती ना, लोग भर भर के लोगों को पसंद आती है, पता नहीं दिल के अंदर कहां तक जाकर चोट करते हैं, मानो कितना उनको फायदा हो गया, कोई जीवन के काम आने वाली चीजें लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती। यही तो इस कलयुग का दुर्भाग्य है, जो कुछ कल्याणकारी होगा वो उस पल्ले नहीं पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे, हम भी दरिया में अपने हुनर मालूम है किस तरीके से काम किया जाता है। चलिए तो हनुमान जी एक एंजल हैं, हनुमान जी एक एंजल जिन्हें आप भय से बाहर आने के लिए पुकारते हो, एंजल हैं वो भी। एंजल का मतलब ऐसी दिव्य शक्ति जो जो आपके आसपास में कोई चेंज लेकर आती है, जो आपको गाइड करती है, जो आपको प्रोटेक्शन दे सकती है, जो आपको रास्ता दिखा सकती है, जो आपको स्पिरिचुअल आपकी समस्याओं का समाधान देने में फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर वो आपके हेल्प करने के लिए तैयार होती है। तो ऐसी हस्ती हनुमान जी एक है, ऐसे गणपति जी एक एंजल है। अब बोलेंगे वो तो देवता है, तो देवता और एंजल अलग अलग थोड़ी होते हैं, देवता और एंजल एक ही होते हैं। उसी को शब्द में हिंदी में हम उसको जो हिंदी में देवता शब्द इस्तेमाल करते हैं, लोग एंजल बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन्होंने ये अंग्रेजों ने जो हमारे साइंस सिस्टम पे, जो इतना एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा किया ना, नेट पे आप ढूंढो एंजल क्या होते हैं, कहीं पर आपको हनुमान जी का नाम दिखाई नहीं देगा। एंजल का मतलब आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल ऐसे ऐसे आपको ये नाम दिखाई पड़ेंगे, जिनके साथ दूर दूर तक आपको लेना देना है, भाई ये कौन है मुझे क्या पता। कोई समझे तो उसको फिर पूरी बात समझ में आती है कि हमारे एंजल एंजल नहीं, तुम्हारे एंजल एंजल, ऐसे नहीं होता ना, बात समझानी है पूरी तरह से। एंजल मतलब वो दिव्य शक्तियां जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन वो एक सत्ता, एक दिव्यता, एक ताकत के रूप में मौजूद है, इनको एंजल बोलते हैं। सभी को, हमारे भगवान श्री विष्णु, हमारे त्रिदेव, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और भगवान शिव, एंजल्स हैं, महान एंजल हैं, दिव्य महाशक्ति हैं। फिर इनके आगे दुनिया भर के, इनके आगे पार्षद, पार्षद मतलब जो इनके सेवादार, इनकी अपनी टीम्स हैं, भगवान श्री विष्णु जी की पूरी टीम्स हैं, उनके अवतारों की अपनी अपनी टीम है। श्री राम जब इस धरती पर आए, श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए, उनके विराट, उनके उनके फॉलोवर, उनकी टीम्स, वो भी उनके साथ ही होते हैं। ऐसे भगवान शिव, उनके साथ उनकी विराट टीम, ये सब एंजल्स होते हैं। अब ये आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। ऐसी बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं जिनके साथ आप भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, और आप इस बात का यकीन करें, कहीं ना कहीं आप में से भी अनेक लोग, हम में से भी अनेक लोग ऐसे हैं जो एंजल रह चुके हैं। हमने भी एंजेलिक वर्ल्ड में सेवा की है, हमने कितने ही लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाकर देखा, पास्ट लाइफ और इस लाइफ के बीच में हम कहां थे, वहां पर हम भी एंजेलिक फॉर्म में कुछ समय के लिए हमने भी सेवा करी, हमें भी बहुत कुछ सिखाया गया, सृष्टि के रूल सिखाए गए, तो हम भी एंजल बनकर वहां पर रहे हैं। फिर इस धरती पर भेजा गया इस धरती के लोगों की सेवा करने के लिए, भेजा तो सबको इसी पर्पज के लिए गया है, भेजा तो सभी को इसी पर्पज के लिए ले गया, लेकिन यहां अगर अपने अपने टास्क भूल चुके हैं, इसलिए बहुत सी बातें याद दिलवानी पड़ती हैं। विवेकानंद जी की स्टेटमेंट, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स गोइंग टू हैव डिवाइन एक्सपीरियंस, रादर विवेकानंद जी कह रहे हैं, वी आर डिवाइन बींग्स came here to have human experience, हम यहाँ पर आए हैं इस धरती पर अनुभव लेने के लिए। तो हम divine beings हैं, हम भी angels हैं, कैसे थोड़ा और अनुभव करते, कैसे अनुभव करें कि angel मेरे आसपास में है, थोड़ा और समझते हैं बात को। इसी तरह से अनेक दिव्य आत्मा, अनेक पवित्र आत्माएं जो angels हैं, जो हमारे आसपास में, भौतिक शरीर में नहीं है लेकिन मेरे आसपास में है, अनेक तरह से आपके अनेक तरह के एंजल मौजूद होते हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, दे शब्द का मतलब होता है देने वाला, देवता यानी देवी यानी देने वाला, देने वाली, राइट। जो देने वाला है वो देवता, जो लेने वाला है वो लेवता, ठीक है। अब जो देवता है, जो देने वाला है, जैसे आज आप धरती पर हैं, आज भी आपके स्वभाव में ऐसे बहुत सारे गुण होंगे जो संसार में भी लोग आपको एंजल कह देंगे। ऐसा है, किसी ने कभी आपको ये कहा है कि आप मेरे लिए देव तुल्य हैं? वो पति परमेश्वर वाला देव नहीं, वो छोड़ दो, वो तो डेफिनेशन ही अलग है, वो पत्नी परमेश्वरी और पति पर, वो बिल्कुल टॉपिक अलग है। यहां बात कर रहे हैं, क्या किसी ने, आपने किसी की सेवा करी, किसी की हेल्प करी, किसी की जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आए और उन्होंने आपको कहा कि आप मेरे जीवन में एक एंजल हैं? क्या आपको किसी ने कहा कि आप मेरे जीवन में एक एंजल हैं, एक फरिश्ते हैं? तो डेफिनेटली आप एक चलते फिरते फरिश्ते हैं, स्वीकार करें इस बात को, राइट। अब अपने अंदर वो एंजेलिक क्वालिटी कैसे बढ़ाएं,
उसको समझेंगे और अपने आसपास के एंजल्स से वो क्या काम करवाए, क्या उनको कैसे रिक्वेस्ट करें, कैसे उनसे कनेक्ट करें, तरीका क्या है, तो उसकी पूरी पूरी बात समझते हैं एंजल्स क्या होते हैं। तो एंजल जो है हमें वो जो देवी देवता है जिनको हम कहते हैं देने वाले, वो देवता। इसी तरह के हमारे पास आसपास में भी अनेक तरह के एंजल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से एंजल्स होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए क्या होते हैं एंजल्स, एंजल्स के लिए होते हैं गार्डियन एंजल, दो होते हैं गार्डियन एंजल, फिर होते हैं हमारे इष्ट देव जो गुरु होते हैं वो हमारे एंजल्स होते हैं। इसी तरह से अनेक बाकी भी एंजल्स हमारे आसपास में मौजूद होते हैं। तो जैसे हमारे इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, ऐसे ही अन्य देव जो हैं, हिंदू हमारे जो देवी देवते हैं हनुमान जी, गणपति जी, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे अनेक अन्य देवी देवता जैसे इंद्रदेव, पृथ्वी देवी, जल देवता, वरुण देव, अग्निदेव, ये भी देवी देवता हैं। हमारे सनातन धर्म ने इन सबको देवी देवताओं की कैटेगरी में रखा कि हम ये भी देव हैं, दे रहे हैं। पूरी प्रकृति को हमने देवता तुल्य माना, हमने गंगा को माँ कहा जो एक नदी है लेकिन वो भी दे रही है, कुछ ऐसा दे रही है जो बड़ा विशेष है। हमने इंद्र को देव कहा क्योंकि वो बादलों के रूप में बारिश हो रही है, हमने वायु को देव कहा, हवा को देव कहा, बड़े कमाल की बात है, जो कुछ दे रहा है वो देवता। अब आपको दिखे या ना दिखे, आप इसके लिए कुछ भी, दिखना ना दिखना एक अलग बात है, लेकिन वह है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वायु देव ने कभी अपना कार्य थोड़ी देर के लिए रोक दिया, समझो, थोड़ी देर के लिए वायु देव ने कहा कि चलो आज बहने की छुट्टी, क्या हो जाएगा, बस आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं, सारे के सारी धरती, सारे के सारे लोग, तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर सारा खेल समाप्त हो जाएगा, हाँ या ना। तो वो हमने उसको देव कहा जो दे रहा है हमें, है ना, ऑक्सीजन का होना वरदान है, देवता है, दिख नहीं रहा लेकिन है। ऐसे ही जीवन की अनेक चीजें हैं जो दिख नहीं लेकिन है, ऐसी दिव्य सहायता मिलती है। तो जितना जितना विश्वास करते हैं उसके लिए और ज्यादा है, जिसके ज्यादा, जिसका जितना विश्वास है उसके लिए और ज्यादा हो जाएंगे, और जिसका विश्वास नहीं है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में ही रह जाएंगे। हर जगह साइंस नहीं चलती, मानने से बात बनती है, कुछ चीजें मानने से बात बन जाती है। इसी तरह से हमारे आसपास में हमारे जो किसी समय भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी महाराज, ऐसे अनेक दिव्य शक्तियां, जैसे इवन जैसे साईं बाबा या अन्य जो हस्तियां संसार में हो गुजरी है, कबीर साहब जैसी हस्तियां, संत चरण दास जी, संत मीरा भाई, जब ये हस्तियां इस धरती पर थी, आज भी उनके फॉलोवर्स के लिए वो उतनी शक्तियों के साथ मौजूद हैं, हाँ या ना बोलो, उनके फॉलोवर्स के लिए, आप माने ना माने अपने घर बैठे, लेकिन उनके फॉलोवर्स के लिए आज भी वो उतनी ही पावर के साथ मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, मौजूद है। आज भी भगवान बुद्ध के फॉलोअर उनके, ये छोटी मानते हैं कि भगवान बुद्ध 2500 साल पहले थे, आज नहीं है, आज भी उनकी शक्ति मौजूद है, वो भौतिक रूप में मौजूद नहीं है लेकिन ऊर्जा के रूप में मौजूद है, तो इसी रूप में इनको माना जाता है। तो अब इसकी बात आगे करते हैं, कैसे कैसे ये जीवन में अनुभव चेंज लेकर आते हैं, थोड़ा इसको और गहराई से अनुभव करते हैं। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया एंजल्स के साथ, ये हमने आपको जैसे बताया। अब इसी तरह से अन्य देवी देवता भी होते हैं हमारे आसपास में, क्रिश्चियनिटी के वाले एंजल भी चलो मान लेते हैं, इसी तरह हमारे पितर भी होते हैं, हमारे एनिमल स्पिरिट गाइड भी होते हैं, राइट। अब एनिमल स्पिरिट गाइड भी होते हैं हमारे आसपास में, ये भी देवता हैं। हमने अपने यहाँ पर नागों की भी पूजा करी, किसने करी, किसने करी, सनातन धर्म ने हमें बताया, उनको भी पूजने बताया, पत्थरों को पूजा, शालिग्राम को नहीं पूजते हम, जरा समझना, हमने हरेक के अंदर, तुलसीदास जी ने सीधा सीधा कह दिया ना, जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ से लेकर चेतन, जड़ मतलब बिल्कुल पत्थर जैसे जो जीव है वो, चैतन्य जो है जागृत है हमारे जैसे वो भी है और पत्थर भी है वो भी, तो कहा जड़ चेतन जग जीव जत, जितने भी संसार के जीव हैं, सगल राममय जान, सबके भीतर मेरे राम बसते हैं, सबके भीतर मेरे राम बसते हैं। उन्होंने नहीं कहा पत्थरों में नहीं बसते, जो लोग कहते हैं जानवरों में आत्माएं नहीं होती, ऐसे कहने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं, जो जो जानवरों को काट के खा जाते हैं वो कहते हैं कि जानवरों में तो आत्मा होती ही नहीं है। कोई पूछने वाला हो, कोई तुम कोई इतनी इतनी तुम अगर बदतमीजी कर रहे हो, कोई तुम्हें कोई लानते नहीं भेजने भेज सकता इस बात के लिए कि तुम्हें समझ में नहीं आती जानवरों में आत्मा नहीं होती, जरा वो चीखते हैं तो उनकी चीख पुकार सुनाई नहीं पड़ती तुम्हें, तो जरा कभी कभी प्यार वाली भाषा और कभी कभी थोड़ी सी डांट वाली भाषा भी समझानी पड़ती है अगर लोगों को समझ में ना आए तो होती है।
डेफिनेटली होती। हमारे सनातन धर्म ने पत्थरों तक को पूजा, और पूजना छोटी बात नहीं है, ये माना कि परमात्मा की सत्ता सब जगह मौजूद है। और आज तो साइंस भी इस बात को मानती है, हाँ या ना, मानती है। सब हर चीज के अंदर एक वाइब्रेशन है, और हम लोग तो ऑरा जानते हैं, ऑरा पर काम करते हैं, सारा दिन एनर्जी पर काम करते हैं। तो पत्थरों के घर में छोटे छोटे स्टोन रखे हुए हैं, बताओ, ये अभी अभी ये स्टोन रखा हुआ है, ये सिंपल एक पत्थरों का पेड़ है, पत्थरों का बना हुआ पेड़ है, स्टोन ट्री है, और ये इतनी ऊर्जा देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। पत्थर ही तो है। अगर आप इसकी ऐसे ही व्याख्या करने लगेंगे, जो रुद्राक्ष आप पहनते हैं क्या है, एक बीज तो है पेड़ का, फली तो है, इतनी ऊर्जा कैसे दे रहा है, कैसे वो प्रोटेक्शन दे रहा है, कैसे ताकत दे रहा है ना। इसी तरह नदी का जल कितना पवित्रता देने वाला है, गंगा नदी की बात करें, हमने इसलिए माँ कहा, माँ कहा पवित्र। हमने गाय गौ माता को पूजनीय कहा, पवित्र देने वाली। इस तरह से हमने उनके बारे में, हमने सभी को पूजनीय बनाया। इस पूजनीयता के पीछे जो समझ है ना, वो बहुत बड़ी है, हमारे अंदर उस दिव्यता को प्रकट करना कि हमारे मन में सम्मान कितना है, राइट। तो अब ये जो एंजल होते हैं, इसी तरह से बचपन से आपके पास पिछले जीवन में आपने जिन देवी देवताओं की पूजा की होती है, उनमें से अनेक देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो ये हमारे साथ होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, बचपन से साथ होते हैं, आपको पता लगे या ना लगे, आपके साथ होते हैं बचपन से कुछ देवी देवता। एक बच्चे के जन्म के आस बच्चा बैठे बैठे मुस्कुरा रहा होता है, छोटे बचपन में कभी देखो किसी छोटे बच्चे को, आप भी मुस्कुराए होंगे, पता लगे ना लगे बात की बात है। इसी तरह से अनेक लोग ऐसे हैं जिनके आसपास में एंजल्स की पूरी टीम रहती है, एंजल्स की पूरी टीम रहती है। कैसे पता चले कि मेरे आपके आसपास में भी एंजल मौजूद है, कैसे, जरा समझते हैं। पहली बात समझते हैं, जब आपके फरिश्ते आपके पास है, तो आपके जीवन में पहली बार चेंज आना शुरू होता है। आपके जीवन में आपको ये सवाल पैदा होना, जब डिवाइन इंटरफेरेंस आपके जीवन में आती है, तो आपके जीवन में सवाल पैदा होता है, जब आपके मन में होश पैदा किया जाता है, आप ये सोचना शुरू करते हो कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पर। इससे आप अपने भीतर अवेकनिंग चालू होती है, एंजल्स का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होता है। अब आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी एंजल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्होंने ड्यूटी ली होती है। किसी समय में हो सकता है भगवान भगवान शिव की आपने तपस्या की हो, भगवान शिव ने कहा कि जब जब तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हारी सहायता करने जरूर आऊंगा, ऐसा वरदान आपको वहां से मिला हुआ हो सकता है। माँ भगवती की आपने पूजा करी हो, हनुमान जी की करी हो, किसी ना किसी देवी देवता से कनेक्शन फील होता है, होता ही होगा, हाँ या ना, होता है। सभी से पूछ रहा हूँ कि आपको किसी भी देवी देवताओं से कनेक्शन फील होता है, हाँ या ना। जो लोग हैं जरा मौजूद हैं, वीडियो को जरा लाइक कर दें प्लीज, लाइक कर दें, लाइक कर दें, फटाफट फटाफट लाइक कर दें। जैसे आप व्यर्थ के और अनेक अनेक एंटरटेनमेंट वाले वीडियो को लाइक करते हैं, तो जरा इस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना ही डालिए, राइट। कभी कभी बोलना पड़ता है, बात समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, राइट। नहीं तो फिर आपको वो वही वाली भाषा अगर समझानी पड़े, तो फिर अलग अलग भाषा में बोलना पड़ते हैं, बोलने वाले ऐसे लोग अजीब हैं। चलिए एनीवे, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है कि क्या आपके जीवन में कभी आपको ये पैटर्न आपके मन में आता है कि आप कौन है और क्या चाहते हैं। अगर ये आता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में इंटरफेरेंस का इंटरफेरेंस है। आपके जीवन में पर्पस के बारे में आता है, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, डेफिनेटली आपके आसपास में एंजल्स हैं जो आपको याद दिला रहे हैं कि भाई सोच ले, सोच ले, जीवन में ऐसे ही वेस्ट करने आ गया टाइम, नहीं ऐसा नहीं है। एंजल्स आपको याद दिलाते हैं आपके जीवन में, आपको ये समझ में लगता है यार मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लोगों से प्रेम करना चाहिए, मेरे मन में सद्भावना आनी चाहिए। ये कौन बोलता है आपको, कौन बोलता है आपके मन में? एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसा ऐसा राह दिखाने वाला मौजूद है, जो अंदर ही अंदर आपको राह दिखाता है। अनेक अनेक चीजें आपको राह दिखाने वाली होती हैं। इसी तरीके से आपको आसपास में एंजल नंबर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। एंजल नंबर दिखते हैं कभी किसी को, 111, 222, 333, या कोई और पैटर्न इसी टाइप का, किसी टाइप का और पैटर्न, 1122, 1313, 4141, ऐसे अनेक तरह के पैटर्न कितने लोगों को दिखते हैं ऐसे, जरा जरा अपने YouTube वाले नीचे जरा कमेंट करके बताएंगे, दिखाई देते हैं आपको? यस एवरीवन, यस
एंजेलिक नंबर दिखते हैं, एंजेलिक नंबर दिखने का मतलब है कि एंजल्स मेरे आसपास में मौजूद हैं, एंजल्स मेरे आसपास में मौजूद हैं। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि हम भी हैं, थोड़ा सा हमारी तरफ भी दृष्टि करो, दिखेंगे तो नहीं लेकिन आपके जीवन में इंटरफेरेंस करेंगे, आपके जीवन में सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जरा प्यार से बुला लेना उनको, एक्नॉलेज करना कि आप मेरे आसपास में हो, एक्नॉलेज करना, धन्यवाद देना। कभी नंबर दिखे ना तो पहला काम यही होना चाहिए, शुक्रिया, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। अभी नंबर का मीनिंग क्या है, अलग अलग नंबर्स के अलग अलग मीनिंग है, मैं यहां बैठकर समझाने वाला नहीं हूं प्रॉपर तरीके से। इसके लिए एंजल, एक एंजल नंबर के नाम से मैंने वीडियो बनाकर डाला, आराम से सीख लो, समझ लो। फिलहाल मैं यहां बताने वाला हूं कि जब जब एंजल नंबर दिखे करना क्या है, धन्यवाद जरूर देना, शुक्रिया एंजल्स मेरे, आप मेरे आसपास में हो। और आपका ध्यान जा रहा है, घड़ी में 22:22 हुए हैं, ध्यान जा रहा है आपका उस स्पेसिफिक जगह पर, 4:44 हुए हैं, ध्यान जा रहा है वहां पर, 3:33 हो रहे हैं। टाइम तो आपका अब बाकी किसी टाइम में भी आप टाइम देख सकते थे, लेकिन उसी टाइम में क्यों, उसी टाइम में क्यों 11:11 हो रहा, आपका ध्यान घड़ी की तरफ गया क्यों? डेफिनेटली कोई है जो आपको कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, कोई है जो कह रहा है चिंता मत कर, तू मुझे भूल तो नहीं गया, तूने कहा था मैं भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा, गर्भ में उल्टा लटका पड़ा था ना तो उस समय प्रॉमिस किया था, याद तो नहीं होगा, लेकिन चलो किसी ना किसी बहाने से, संतों की वाणियों से रेफरेंस देकर याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉमिस किया था, उल्टे लटके हुए जब दुर्गति हो रही थी, जब गर्भ में आया था, बड़े कष्ट सह रहा था, तूने प्रार्थना करी थी कि बस किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं, बाहर निकल के भक्ति करूंगा, परमात्मा की याद रखूंगा, जीवन को जागने का प्रयास करूंगा, अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, प्रॉमिस किया था, भूल क्यों गया है? तो अब कभी याद दिलाया जाना, हमने ले जाकर देखा है लोगों को, हिप्नोटाइज करके उस अवस्था में ले जाया जा सकता है जब व्यक्ति गर्भ में था, वहां याद दिलाया जाता है, भूल तो नहीं गए, याद दिलाया जाता है कि तेरे जीवन में तो यहां पर किस पर्पस के लिए आया है। एंजल तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम्हारे जीवन का पर्पस याद दिलाते हैं, तो भूल मत जाना, भूल मत जाना। अगर ऐसा है कहीं पर भी, नंबर प्लेट पे कहीं से कोई मैसेज आ गया किसी का, उसके नंबर पे आपको ध्यान गया, हो सकता है वैसे भी पहले भी आपका कोई मित्र रहा हो जिसके नंबर, फोन नंबर 222 नंबर हो रहा हो, लेकिन ध्यान नहीं गया, लेकिन अब ध्यान जा रहा है, इसका मतलब है कि एंजल्स आपको आपके जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं कि कुछ तो है जो तुम मिस कर रहे हो, कुछ तो है, हमें याद करो, हम तुम्हें पल पल साथ निभा के दिखाएंगे, वी आर देयर, मैं भूल मत जाओ, तुमने प्रॉमिस किया था, हुआ हो सकता है, जरूर हुआ हो सकता है, भगवान शिव के साथ, हनुमान जी के साथ, गणपति जी के साथ, अन्य किसी संतों के साथ प्रॉमिस किया हो सकता है, हमने कहा हो सकता है कि भाई तुम प्लीज मुझे भूल मत जाना, कभी तो कहा होगा, कभी तो कहा होगा मुझे भूल मत जाना, वो याद दिलाने आ रहे हैं, भूले नहीं है हम तुम्हें, तुम ही भूल गए हो, प्रॉमिस है उनका, तो याद दिलाना, कोशिश करना, बड़ा काम आएगा, बहुत काम आएगा। अगर आप उनको भूल गए, वो अभी तो प्यार से याद दिला रहे हैं, नहीं तो पीट पीट के याद भी दिलाया जाएगा अंततः यमदूतों के द्वारा कि भाई तू गया था, तेरे को काम करने के लिए धरती पर हमने चेतावनी दी थी, समझ में नहीं आई तुम्हें, कभी पर्पस के बारे में ने सोचा नहीं, किसी काम के लिए यहां पर आया है कभी सोचा नहीं, आया था जिस काम को भूल गई वो बात, तो अपने उस बात को भूल क्यों गए हो, उसको याद दिलाने के लिए एंजल्स आपके जीवन में इंटरफेयर करते हैं। इसी तरह से एंजेलिक नंबर का दिखना कहीं पे भी एक ये बात, इसी तरह से आपके जीवन में और क्या चेंज आता है जब एंजल्स आपको इंडिकेट करते हैं, एंजल आपके आपकी जो कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं जो आप सोचते हो कि आपने सोचा वो काम हो गया, आपने भी सोचा, मन में भी सोच ही रहे थे, वो काम आपका तुरंत सामने चीज आ गई, जिस चीज को आप याद कर रहे थे अभी अभी आपने सोचा कि यार अभी कोई पर्टिकुलर टाइप की आइसक्रीम के बारे में आप सोच रहे थे, कि आपने कोई एड देख ली और उसी शाम को या अगले दिन आपके सामने वो आइसक्रीम पहुंच गया, यार ये अभी कैसे हो गया, ये आपके मन में भाव आया, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन कुछ खाने का, कुछ पीने का, कोई पर्टिकुलर ड्रेस का, किसी व्यक्ति से बात करने का मन में भाव आया और तुरंत आपको एक आध दिन के अंदर अंदर वो हो गया कि अभी तो मैंने सोचा था इस बारे में और ये घटना कैसे घटित हो गई, अभी ये ऐसे ही नहीं हो गई, कुछ है कारण, कुछ है कारण, एंजल्स आपके साथ हैं जो आपको पहले पूर्वाभास करवा रहे हैं किसी चीज के होने का। आप ऐसा सोचते हो कि मेरे सोचने से ये चीज आई,
मैंने आइसक्रीम के बारे में सोचा और अगले दिन मुझे आइसक्रीम वही वाली आइसक्रीम मिल गई, या आइसक्रीम मिलने वाली थी मुझे उसके पहले पता चल गया। दोनों में से क्या सही है? कुछ भी, एनीथिंग इज फाइन। दोनों एक ही टाइप की चीज के दो अलग अलग फॉर्म है, आपके मांगने से चीजों का हो जाना या जो होने वाला है वो आपको पहले पता चल जाना। ये दोनों एक ही टाइप की नॉलेज के दो अलग अलग छोर हैं, दो अलग अलग छोर हैं। इधर से देख के फ्यूचर को आप देख पाते हैं और फ्यूचर से जो आप देख पाते हैं वो फ्यूचर में घटित हो जाता है। दोनों ही बातें कनेक्टेड है, ऊर्जा कनेक्टेड है। तो फील कीजिए एंजल्स की प्रेजेंस को कि आपके आसपास में मौजूद हैं, आपके आसपास में मौजूद हैं, वो आपको अपने होने का एहसास करवा रहे हैं, आपके अपने जीवन में अनेक तरह के चेंजेस वो लेकर आ रहे हैं। उनके होने का लगातार उनको एहसास करना सीखिए कि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो जरा जरूर यस करके बताएं। ऐसा होता है कि आप अभी सोचते हैं किसी चीज के बारे में और चीज तुरंत काम होना शुरू हो जाता है, आपकी सोची हुई बात अभी पूरी हो जाती है। होता है हाँ या ना? हुआ है एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार हुआ है? हुआ है तो जरा यस करके बताइए। जो लोग यूट्यूब पर हैं वो यस करके बताएं। राइट, परफेक्ट। तो ये हो रहा है, ये हमारी इंट्यूशन पावर का बढ़ना, एंजल्स के होने का साइन। ऐसे ही और भी बहुत कुछ, आप प्रकृति से कनेक्शन फील करना शुरू कर देते हैं, जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं, चीजों को स्वीकार भाव मन में आने लगता है, एंजल्स की प्रेजेंस, स्वीकार भाव आने लगता है जो हो रहा है। कहीं ना कहीं आप उस चीज को मानने लगते हो। घर में भगवान ना करे किसी का ऐसा हो, बट कोई सदस्य चला गया, उसके बाद आपको लगता था कि यार पता नहीं इस व्यक्ति के जाने के बाद जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप सरवाइव कर रहे हो, फिर भी मन को कहीं ना कहीं एक टिकाव सा है। आपने उस डिफिकल्ट सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल कर लिया। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली है। आपने कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसको कैसे आपने हैंडल कर लिया, मजाक नहीं है ये, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ। एंजल्स मौजूद हैं। इनकार करते रहो तो आपकी मर्जी, इनकार करो तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर जानो तो डेफिनेट कितनी बड़ी बात है ये। राइट, इस तरह से एंजल्स अपने होने का एहसास करा रहे हैं, उसकी कही हुई बातें पूरी हो रही हैं, प्रकृति से लड़ाई खत्म हो गई। अब मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, आप कहीं ना कहीं उसकी रजा में राजी रहना सीख जाते हो, एक कनेक्शन फील होना शुरू हो जाता है। प्रकृति के नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रकृति के नियम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप प्रकृति से लगाव फील करना शुरू करते हो, वृक्षों से, हवा से, सूर्य से, आकाश, खुला आकाश आपको अच्छा लगता है, ग्रीनरी आपको भाती है, एंजल्स के साथ आप कनेक्शन हो रहे हैं। और एंजल कैसे, हमने तो पंच तत्वों को भी एंजली कहा ना, पृथ्वी को देवी कहा, हमारे सनातन धर्म की महानता है ये। बाकी जगह तो लोग पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन हमने पृथ्वी को माँ कहा, मदर अर्थ, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा ही सनातन धर्म का ही वो नारा है। तो पृथ्वी को माँ कहा, जल को देवता कहा, जल देवता, राइट, वायु को देवता कहा, अग्नि को देवता कहा। क्यों कहा? अग्नि अपने आप में जो हीट मिल रही है, सूर्य को देवता कहा, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है, सूर्य के कारण हम जीवित हैं, सूर्य बंद तो हम बंद, है ना, कनेक्शन, डीप कनेक्शन है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। और जो अलग है उनके दिल की हालत पूछ लो। अगर आप बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, आजकल हड्डियों के रोगों से जूझ रहे हैं, घुटनों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो एक बेस कारण क्या है, आप प्रकृति से दूर हो गए हैं। तो जब आप प्रकृति के नजदीक की फील करें तो आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो कनेक्ट होने के लिए क्या करें, प्रकृति के नजदीक रहें, जाएं और वहां जाकर सेल्फियां ना खींचें। लोगों को आजकल शौक ही चढ़ गया अजीब सा, जहां जाएंगे कहीं गलती से मौका मिल जाए प्रकृति के नजदीक जाने का, लोगों की फोटो नहीं खत्म होती, अच्छा दिखाओ क्या हुआ। प्रकृति को एंजॉय नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, फोटोएं खींच रहे हो। जो आज उस पल को एंजॉय नहीं कर पा रहा, जो आज जहां है वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, बाद में फोटो देख के उसकी प्रकृति को एंजॉय कर पाओगे? नेवर। अभी मौका है, जब मिले मौका प्रकृति के साथ कनेक्ट हो। सबसे बड़ी बात है खुले आकाश की ओर देखना, बाहें फैलाकर कहें मैं तुम्हारा हूं, आई एम कनेक्टेड। अपने हृदय को खोलें, ओपन गेट्स ऑफ योर हार्ट,
दिल के द्वार खोलें कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूं, आई एम योर्स, आई एम योर्स। प्यार से कहें तो समझ में आएगा आपको कि एंजल्स क्या हैं। प्रकृति के रूप में ही परमात्मा हमारे जीवन में आता है, आने दीजिए, उसे स्वागत कीजिए। कभी खुले आकाश को देखकर, तारों भरी रात हो, हम कभी ऊपर उठाकर देखते नहीं, मोबाइल के आगे सजदा करते रहते हैं गर्दन झुका के। कैसी बुरी हालत हो गई है लोगों की, कहां गया वो प्रकृति के साथ कनेक्शन। फिर कहते हैं एंजल नहीं मिलते, एंजल आपको किताबों में मिलेंगे। चारों तरफ एंजल्स मौजूद हैं, चारों तरफ प्रकृति मौजूद है, हम उसको देख नहीं रहे हैं और मोबाइल के आगे सजदा किए जा रहे हैं, गर्दन जो है ना झुकी हुई है इसी के आगे। कुछ तो अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है, कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। कनेक्ट करें एंजल्स के साथ, एंजल्स मौजूद हैं हमारे आसपास में, राइट? तो इस तरीके से वो आपको हिंट तो दे रहे हैं। तो कनेक्शन प्रकृति के साथ, कनेक्शन मतलब एंजल्स के साथ कनेक्शन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व अगर आपने दिन में, मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ये लिख लेना अपने दिल पे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमात्मा भरपूर कर दे आपके जीवन को, ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इन पांच तत्वों को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करना, आप पाओगे कि एंजल्स आपके साथ हैं। पृथ्वी देवी को मन में भावपूर्वक माँ पृथ्वी को मेरा प्रणाम, पृथ्वी माँ से कनेक्शन बनाना, नंगे पैर धरती पर चलना, मिट्टी पर चलना, कनेक्शन बनाना, आप पाओगे प्रकृति के आप नजदीक होते जा रहे हो, आप एंजल्स के नजदीक होते जा रहे हो। इसी तरह से जल देवता, अब आपको पता होना चाहिए जब जब आपके पांच तत्व एक साथ इकट्ठे हो, वही स्थान आपके लिए एक जो विजिटिंग प्लेस बन जाता है, वही स्थान आपको बहुत अच्छा लगता है, रिजुविनेटिंग लगता है उस जगह पर बैठकर। समुद्र के किनारे ये पंच तत्व मिलते हैं आपको एक साथ विराट रूप में, या किसी नदी के किनारे, मतलब किसी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, तो वो पांच तत्व एक साथ मिलेंगे। पृथ्वी हर जगह मौजूद है, जल कहीं कहीं है जहां विराट रूप में है, बहुत सुंदर। तो जल देवता, अग्नि देव, अग्नि का मौजूद होना आसपास में कितना सुंदर है। इसी तरह से वायु हर जगह मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर खुली एकदम ओपन सी है, प्रदूषण फ्री वायु हो तो मजा ही आ जाए, राइट? और आकाश, आकाश का मतलब है खुलापन। वायु तो बंद कमरे में भी मौजूद है, लेकिन आकाश नहीं है वहां पर, खुला नहीं है, खुला होगा तो आनंद आएगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच तत्वों के साथ कनेक्शन बनाना, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है, कहें कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूं। आप फील करोगे कि सहज ही अपने अंदर जो है एक प्रेम का भाव, कनेक्शन का भाव फील होने लगेगा। अब इनसे के साथ गाइडेंस की बात भी करेंगे अभी हम इसके बाद, इनसे गाइडेंस कैसे लें, कनेक्ट कैसे करें, कैसे माँ पृथ्वी आपकी आके हीलिंग करे। कभी आपको दिल करे ना, कभी आपको दिल करे प्रकृति के साथ कनेक्ट होने का, एक सिंपल तरीका बताता हूं, मतलब मदर अर्थ से कनेक्शन का। कभी दिल बहुत भाव से भरा हो, दुखी हो, परेशान हो, एक मेरे कहने से एक एक्सरसाइज छोटी सी कर लेना, नाभि के बल, अपनी नाभि के बल पृथ्वी पर लेट जाना, नाभि के बल पृथ्वी पर लेट जाना। अब तो गर्मियां, मतलब जैसा माहौल है तो उसी कोई इशू नहीं है कि ठंड ठंड जैसी चीज नहीं है, अगर चादर बिछाकर नीचे आपकी नाभि लिटरली फर्श को टच करें, तो ये जो कनेक्शन आप फील करें, ये कहिए कि जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो बच्चा माँ से कनेक्टेड होता है, केवल नाभि के द्वारा पूरा पोषण पाता है। ऐसे ही जब कभी लगे कि संसार में हम अधूरे से हो गए, हमारा पोषण नहीं हो रहा, हम दुखी हैं, परेशान हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा संसार की जो दुख है हमारे ऊपर वो हावी हो रहे हैं, तो अपनी माँ की गोद में चले जाना, वो है मदर पृथ्वी, मदर अर्थ से कनेक्शन। उल्टा लेटकर, उल्टे लेटकर अपनी नाभि को जमीन से टच होने देना, आपको थोड़ी देर में इतनी अपार शांति मिलेगी, ये अनुभव करना कि आपकी नाभि से ऊर्जा जा रही है और पृथ्वी के साथ कनेक्शन फील करो, इतना आनंद, इतनी शांति आपको अनुभव होगी जो आपने पहले नहीं जानी होगी। अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसको अर्थ थेरेपी के नाम से बोलते हैं कि अर्थिंग हो जाए हमारी किसी तरीके से, नाभि के थ्रू अर्थिंग होना, क्योंकि नाभि में 72,000 नाड़ियां पास करती हैं और वो अगर पृथ्वी से कनेक्ट हो जाए तो आप बहुत डीपली कनेक्शन फील करेंगे। एक ब्यूटीफुल तरीका है कनेक्ट होने का। ऐसे नहीं अंग्रेज लोग ये बीच पर ऐसे लेटे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं ये इन चीजों का, अनुभव सिर्फ बात बता रहा हूं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का एक साथ अनुभव होना। उस समय रेत पृथ्वी का प्रतीक है, तो रेत के बीच में भी आप वैसा ही अनुभव करते हो, जैसे भी हो सके अपने घर में ही माहौल बना लो, अगर नहीं कनेक्ट हो सकते हर जगह हर समय नहीं हो सकते, तो ये पंच तत्वों का एक साथ होना।
जहां भी होगा, इसलिए हमारे यहाँ पर हवन की व्यवस्था होती थी। हवन में क्या करते हैं, अगर आप घर पे कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अग्नि अग्नि तत्व मौजूद हो गया, आरती करते हैं हम अपने गुरुदेव के, मेरे गुरुदेव में आरती बताइए, आरती में हम दिया जला लिया, अग्नि तत्व मौजूद हो गया, जल मौजूद हो गया, जल का लोटा भर के रख लिया, तो अग्नि और जल तत्व हो गया, पृथ्वी हर जगह मौजूद है, आकाश मौजूद है, वायु मौजूद है, तो पांचों तत्व हो गए इकट्ठे। जहां पांचों तत्व होंगे वहां आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा, वहां एंजल से आप कनेक्शन हो गया आपका। और कुछ नेक्स्ट बात पास समझते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से आप पाएंगे आप अपनी प्रॉब्लम जब एंजल्स आपके साथ होंगे ना, तो आप खुद के प्रति लोगों के सहारे रहने के बजाय आपको लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान मेरे अंदर ही है। आपको ये लगने लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान मेरे ही भीतर है, मुझे किसी और की बहुत ज्यादा किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, मेरी समस्याएं मैं सुलझा सकता हूं। आपको खुद पे भरोसा आने लगता है, तो समझना एंजल्स आपके आसपास में हैं। कितनों को लगता है ऐसा कनेक्शन फील होता है, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? हाँ जी, तो आपको बहुत अच्छे से फील होगा। दोबारा बता दो, वीडियो लाइक कर दें जरा, वीडियो को लाइक कर दें, बार बार बोलना पड़ता है, तो बड़े प्यार से कनेक्ट होना, अच्छे से पता लगेगा, अभी कनेक्ट फील करोगे राइट नाउ राइट हियर, बात करते करते अनुभव करके देखें और आप पाएंगे कि एंजल्स के साथ आप डीपली कनेक्ट हो पा रहे हैं, अभी कनेक्ट हो पा रहे हैं, बैठे बैठे फील करके देखें। आप अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद से करने लगेंगे, लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान मैं ही कर सकता हूं, मुझे दूसरों के हाथ थोड़ी बहुत कभी कभी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरी समस्या है ना मैं खुद सुलझा सकता हूं। तो आप अपने ऊपर मंथन करने लगते हो, दूसरों की कमियां देखने के बजाय आप खुद पर फोकस करने लगते हो। जब ऐसा होने लगे तो डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं, यही आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ही सॉल्यूशन मौजूद है, बाकी हम सहायता कर रहे हैं दिव्य रूप में। तो अनुभव करना, मानना, मानोगे थोड़ा सा विश्वास ही तो है, जो विश्वास ही तो है जो आपको पावर देता है, जो ताकत देता है, तो प्रयास करके देखेंगे थोड़ा और आप इसका अनुभव कर पाएंगे। हर समय अपने ऊपर भरोसा आना, आत्मविश्वास, मेरे ऊपर भरोसा कि मैं कर सकता हूं और दिव्य शक्तियां मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। किसी भी अच्छे काम में दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, आप करो तो सही, एक कदम आगे तो बढ़ा, एक कदम आगे तो बढ़ा, तो आप पाएंगे जीवन में एंजल्स का अनुभव और गहरा होने लगा। इसी तरह से आपके अंदर अब दया भाव बढ़ने लगा है, दया भाव बढ़ने लगा है, कंपैशन बढ़ने लगा है, डेफिनेटली एंजल्स आपके आसपास में। कितने लोगों को लगता है कि मेरा जीवन अधूरा सा लगता है जब तक मैं किसी के लिए कुछ करूं ना, आई नीड टू डू समथिंग फॉर पीपल, मैं अपने लिए स्वार्थी नहीं हूं कि मैं सिर्फ अपने लिए जीता फिरूं, मैं दुनिया के लिए आया हूं यहां पर, मुझे खूब सहायता करनी है, खूब मजा आता है आपको दूसरों की सहायता करने पर, यहां तक कि अपना छोटा मोटा नुकसान सहकर भी आप दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। अपने छोटे मोटे नुकसान सहकर भी आप दूसरों की सेवा के लिए तैयार होते हो, तो समझना एंजल्स आपके आसपास में है, डेफिनेटली है, और न केवल आपके आसपास में है बल्कि आपको भी एंजल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी तो आपके मन में कंपैशन पैदा कर रहे हैं कि तुम किसी के लिए एंजल बनो तो हम तुम्हारे लिए एंजल बनेंगे। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही? तुम किसी के लिए एंजल बनो, किसी के लिए देवता बनो, किसी के जीवन में चेंज लेकर आओ। कोई तो कहे तुम मेरे लिए देवता तुल्य हो, अगर कोई आपको कह सकता है कि आप देवता तुल्य हो, देवी तुल्य हो, तो डेफिनेटली यकीन मानना एंजल्स आपके आसपास में, एक दिन आप ही को एंजल बना दिया जाएगा। ये गुरु की कृपा है कि आपकी प्रेजेंस में लोगों को आनंद आने लगता है तो आप एंजल हो जाते हो। हम संचरण दास जी अपनी वाणी में लिखते हैं, सदगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी सौ सौ बार, सदगुरु को परमात्मा स्वरूप सदगुरु को मैं अपने गुरु महाराज जी को सजदा करता हूं, जिन मानुष ते देवते किए और करत न लागी बार, जिन्होंने इंसान से देवता तुल्य मुझे बना दिया, लेकिन ऐसा करने में उन्हें तनिक भी विलंब नहीं लगा, देवता तुल्य बना दिया। आपको भी कोई कहता है कि आप मेरे लिए देवता तुल्य हो, एंजल हो, अगर कहता है तो डेफिनेटली आप एक एंजल हो, और आप अगर एंजल हो तो एंजल्स के लिए एंजेलिक हेल्प अवेलेबल है, चिंता मत करें। फिर आपको अपनी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं आपको, पिछले पॉइंट में बताया था ना, दूसरों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, आपके पास खुद ही समाधान आएगा। हाँ कभी कभी टाइम लगता है, मैं अभी और यही एकदम से करूं तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, समय लगता है। एंजल्स के साथ एक विशेष बात क्या होती है, आप अभी एंजल से सहायता मांगेंगे ना, एक डिवाइन टाइमिंग का कंसेप्ट होता है। एंजल्स
कहते हैं परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं, मतलब कभी कभी आप अपनी बात उनको कहोगे ना तुरंत आपकी बात नहीं मानेंगे वो, दे विल टेक सम टाइम, दे विल सी कि आपके जीवन में उस पर्टिकुलर चीज के लिए कब टाइम उपयुक्त है। इसके लिए एंजेलिक नंबर होता है 111। कभी आपको जीवन में 111 दिखाई पड़े, 11:11 हुए, तो समझ लेना कि एंजल बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे आसपास में मौजूद हैं, तुम्हारे जीवन में जो तुमने कभी मांग रखी थी, जो तुमने कभी चाहा था, तुमने कभी इच्छा मांगी थी कि मुझे ऐसा मिल जाए, अब उसका टाइम आ गया। तो एंजल डिवाइन टाइमिंग को कनेक्ट करते हैं आपस में, राइट, समझ में आ रही मेरी बात। तो डिवाइन टाइमिंग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहां पर कनेक्ट होता है। तो एंजल तुरंत आपकी बात नहीं मानते, लेकिन समय आने पर आपको इंडिकेट कर देते हैं कि टाइम आ गया है। तो 1111 ये जो नंबर है ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में अवेकनिंग का टाइम आ गया है, आपने कोई मांग रखी थी उसके पूरे होने का टाइम आ गया है। जो मन में सोच रहे हो आप और उसी समय आपके घड़ी पर नजर जाए और 11:11 आपको दिखाई पड़े या 11:1101 दिखाई पड़े, कोई भी ऐसा नंबर 1011, ये नंबर भी वही है ऑलमोस्ट विद थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी डिफरेंस थोड़ा सा, तो ये नंबर आपको इंडिकेट करता है कि वही आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हो कनेक्टेड हैं, बस आप उसको अनुभव आपको पता नहीं लगता तो भूल जाते हो। तो कंपैशन मन में बढ़ने लगता है, दया भाव बढ़ने लगता है, प्यार बढ़ने लगता है, तो समझ लीजिए कि हम एंजल से कनेक्टेड हैं। इसी तरह से आप यूनिवर्स की वाइब्रेशन फील करना शुरू करते हो, आपको ध्यान में बैठे बैठे कुछ अनुभव होने लगते हैं, कभी कभी बिना ध्यान के भी अनुभव होने लगते हैं, बैठे बैठे सडनली मन के अंदर अपार प्रेम करुणा का भाव आएगा और आप हो सकता है रोना शुरू कर दो, आपके मन में इमोशंस भर भर के आते हैं, होता है कभी, होता है, मन के अंदर भाव पैदा होते हैं, हृदय त्रिएक पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, अगर होता है तो धन्य भाग मनाना कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। हाँ जी आ रहा है, बात समझ में आ रही है, डेफिनेटली समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो आपको पता चलेगा कि कितने कितनी सारी चीजें आपके जीवन में सहज घटित होने लगी हैं, कितनी सारी चीजें जीवन में सहज घटित होने लगेंगे, आपके मन में धन्यवाद का भाव, प्रेम का भाव, सहजता अपने अंदर से आने ही लगेगी। तो समझना एंजल्स आपके आसपास में मौजूद हैं और आप वाइब्रेशन फील कर पाएंगे, आप वाइब्रेशन फील कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है वाइब्रेशन फील कर पाना, यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन फील होगा, आप खुले आकाश को देखकर आप चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे, कुछ अंदर मतलब कुछ बेहतर होने लगेगा, खुले आकाश को देखकर आपका दिल करेगा कि डेफिनेटली मुझे अब कनेक्ट, मैं फुलफिल हो रहा हूं, मैं भरपूर हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। तो ये एंजल्स आपके जीवन में आ चुके हैं, इंटरफेयर कर चुके हैं, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ये भाव, तो बड़े प्यार से स्वीकार करना वाइब्रेशंस को और मानना कि एंजल्स आपके आसपास में है। इसी तरह से मन में याद बने रहना, कभी कभी दिल से हुक उठे, प्यार उठे, तो एंजल्स आपके आसपास में है, मन में लगातार स्मरण चलता रहे परमात्मा के किसी भी रूप का, याद बनी रहे, तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग है, एंजल्स आपके आसपास में मौजूद हैं जो आपको याद दिला रहे हैं, परमात्मा की याद दिला रहे हैं, छोटी बात नहीं है ये, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। धन्य है वो लोग जिनके दिल में परमात्मा की याद हमेशा बनी हुई है, क्योंकि याद से ही आबाद है, जिसके दिल में याद है तो आबाद है, तो याद बनी रहे, याद हृदय में बनी रहे, बहुत सुंदर है, उत्तम है। एंजल्स आपको याद ही तो दिला रहे हैं, पर्पज याद दिला रहे हैं, क्योंकि अंत में ना यही सवाल पूछा जाएगा कि जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम किया कि नहीं किया, सहायता मिलेगी, काम भी हो जाएंगे संसार में, चिंता मत करें, डिवाइन टाइमिंग के साथ हर काम होता है, जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल होए, माली एक घड़े की बजाय 100 घड़े डाल दे, कहे कि बस अभी काम हो जाए और कल ही मैं इसका फल खा लूं, इम्पॉसिबल, 100 घड़े डाल दोगे तो भी रुत आएगी तो फल आएंगे। तो जीवन में हर शुभ कार्य का एक डिवाइन टाइमिंग है, कुछ लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, एकदम जल्दबाजी मचाते हैं कि आप जो कुछ ऐसी कृपा कर दो, सिर पे हाथ रख दो, सब ठीक हो जाए, नहीं, मेरी कृपा से भी नहीं होगा, किसी की कृपा से भी नहीं होगा, कृपा आपको अपनी ही ऊपर करनी पड़ेगी, जहां पर कृपा आपकी होए उस पर कृपा करे सब कोई, पहले आपको अपने ऊपर कृपा करनी है, कृपा का मतलब कर और पा,
खुद के साथ कृपा करना, खुद पर कृपा करना, करना और पाना, खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो अपने ऊपर कृपा करें और कनेक्शन बनाएं परमात्मा के साथ, फील करें, कभी यूनिवर्स के प्रति हाथ उठाकर कह दें, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, आई एम कनेक्टेड, आई एम योर्स, आई एम कनेक्टेड, मैं अलग नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं। एक बच्चा बार बार अपने पापा के पास जाकर छोटी छोटी चीजों की मांग करता रहे, पापा साइकिल चाहिए, पापा मोटरसाइकिल चाहिए, पापा घूमने जाना है, ये वाली ड्रेस चाहिए, ये वाले जूते चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। पापा कहते हैं मैं तेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे छोड़ के जा रहा हूँ भाई, तू कहे को टेंशन ले रहा है इतनी, ये प्रॉपर्टी ही तेरे नाम पे होने वाली है, सब कुछ तेरा ही तो है। फिर भी अगर कोई बच्चा बार बार मांगता ही रहे तो क्या उचित है ये? नहीं, ये सारा साम्राज्य उसी का है, पापा ही आपके हैं, पापा का सब कुछ है और आप, वो पापा आपके हैं। एक भक्त का भाव क्या है, वो कनेक्शन फील करता है, वो कहता है प्रभु आप मेरे हो मैं आपका हूं, आप मेरे हो मैं आपका हूं, ये भक्त का भाव है और इसी में वो सब पा लेता है। ज्ञानी का भाव क्या है, ज्ञानी थोड़ा सा ज्ञान वाली भाषा भी करता है, वो कहता है शिव हो हम, आप शिव हो, वही शिव मेरे भी भीतर है, जो आपके भीतर वो मेरे भीतर, वो कहता है सो हम, जो आपके भीतर वो मेरे भीतर, ये उसका भाव है, ज्ञानी का भाव है। भक्त का भाव प्यासा, जो आप हो वो मैं हूं, क्या दिक्कत है, कनेक्शन हो गया ना, जरा कनेक्शन फील करना। और एंजल्स के प्रति, मतलब एंजल वो कोई हवा में बैठ के या कोई पंख लगा के उड़ने वाले एंजल नहीं है, आप हो एंजल, चलते फिरते जीते जागते एंजल हो आप। अपने भीतर एंजल क्वालिटीज बढ़ाइए, गुण बढ़ाइए, जब आप दूसरों को देने का भाव मन में ले आते हैं तो आप एंजल हो जाते हैं, किसी के लिए आप एंजल होइए, परमात्मा आपके प्रति एंजल हो जाएगा। सोचो कितनी खुशी होती होगी उस पिता को, पिता ने 100 रुपए दिए बच्चे को, और फिर बच्चा क्या जाता है बाहर से कुछ टॉफी खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, बिस्किट खरीदता है, कुछ जाके बाहर किसी भिखारी को, किसी गरीब जरूरतमंद को दे आता है, और बाप पापा को आके बताता है पापा मैंने आपने जो पैसे दिए थे ना, मैंने उसको वहां पर वो भिखारी बैठा था, मैंने उसको बिस्किट खिलाया। आपको कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। है तो कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, पापा खुद भी कर सकते थे सब, लेकिन इस बच्चे को चांस दिया उसने कि तुम जाकर अपने हाथों से दो, बांटो, परमात्मा ने हमें भी दिया हुआ है सब कुछ देने को, ज्ञान दिया है, प्रेम दिया है, मोटिवेशन दिया है, अंदर में एक जीवंत ऊर्जा जगाई है। जरूरी नहीं कि हर एक को धन ही दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बांटो जो है, जो आपके पास बेहतर है, जो आपके पास बेहतर है वो बांटो, जो नहीं बांटा उसी चीज की जीवन में कमी है, जो नहीं बांटा उसी की कमी है। आज अगर आपके मन में आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो आपने प्यार में कंजूसी करी है, प्यार नहीं बांटा, आज प्यार के लिए तरस रहे हो, काश कोई पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, राइट? ऐसे ऐसे गाने बने हैं, कहे को बने हैं, कोई कोई आपसे क्यों प्यार कर ले, कोई पूछने वाला हो, हू द हेल आर यू, कोई आपसे क्यों प्यार कर ले, अरे तुम्हें खुद अपने आप से प्रेम है, तुमने कभी किसी को प्यार दिया है, कोई गुलाम हो क्या, प्यार मांग रहे हो कोई पल भर के लिए मुझसे प्यार कर ले, काहे को कर ले, क्यों कर ले, तो प्यार दिया है तुमने, दियो दोगे तो मिलेगा, सीधा सीधा रूल है यहाँ का, जितना दोगे उतना मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा, सीधा सीधा रूल है, ये रूल समझ में आता है कि नहीं आता। तो बांटो, जो चीज जीवन में चाहिए वही बांटो। कभी धन था, लोगों का पास्ट लाइफ देखते हैं ना, तो कहते जीवन में धन की बड़ी कमी है, अरे जब था तो कदर की थी क्या तुमने, कदर की थी, थाई नहीं की कदर तो धन नहीं है जीवन में। कहते हैं शादी नहीं हो रही, लड़के लोग बोलते हैं शादी नहीं हो रही, स्त्रियों की कदर करी थी कभी, पास्ट लाइफ जाकर देखते हैं ना पता लगता है कि कभी कभी स्त्रियों के प्रति बड़ा अपमानजनक भाव था मन में, अब तरस रहे हो ना, तरस रहे हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई बहन, कोई माँ, कोई पत्नी, कोई अपना कहने वाली कोई नहीं मिलेगी, जब तक वो पुरानी गलती नहीं सुधार लोगे, जरा ध्यान रखना। अगर कोई इसी तरह की समस्या से जूझ रहा है तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं, तो जरा ध्यान देना इस बात के ऊपर कि जो चीज की मिली थी उसकी कदर नहीं की, जिस रिश्ते की कदर नहीं की वो रिश्ता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो बार बार नहीं मिलेगा, तरसोगे उसी चीज के लिए। तो जो चीज जीवन में है, ज्ञान है, तो ज्ञान बांटना, सही वाला, झूठा नहीं, सच ज्ञान जो है वो बांटना, थोड़ा सही,
पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा बांटना, ज्ञान है तो ज्ञान बांटना, प्रेम है तो प्रेम बांटना, बढ़ेगा खूब बढ़ेगा, मिलेगा मिलेगा सबके साथ मिलेगा, और फील भी होगा, जरूर होगा। तो इसी तरीके से तो अपने आप आप पाएंगे कि पल पल में आप कनेक्शन फील कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको एंजल बनाने पर तुले हैं वो। मैं आपको कोई ऐसी भाषा नहीं सिखाने जा रहा हूं कि बस आप सिर्फ भिखारी की तरह खड़े रहो, दे दो दे दो दे दो दे दो। मैं कह रहा हूं आप देना शुरू करो और वो वहां से दिए जाएगा दिए जाएगा दिए जाएगा। आप यहां दो, आप ये भाव जगाओ कि स्वांत सुखाए भोजनताए, कुछ ऐसा दो जिससे मुझे भी सुख मिले और मैं दुनिया को आनंद दे पाऊं। हमारा ये भाव है एंजल वाला। जब आप इस भाव से सेवा करते हैं परमात्मा से, मांगना कुछ ऐसा, स्वांत सुखाए भोजन हिताए, मुझे सुख मिले और मैं उस सुख को सबको बांटूं, तब मजा आएगा जीवन में। तब आप फील करोगे कि एंजल्स आपके आसपास में हमेशा मौजूद हैं। परमात्मा की याद बनी रहना, सिमरन बने रहना, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप पाएंगे कि जब आप एंजल्स आपके आसपास में, आपका माइंड आपको इन्फॉर्म करने लगेगा, एक्टिव होने लगेगा आपका सबको, आप जो माइंड पावर की जो चीजें करोगे ना वो भी काम करेंगी आपकी, आपके लिए जो अफर्मेशन आप दोगे, अफर्मेशन की तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा कि एंजल्स की मौजूदगी का परिणाम है कि एंजल्स आपके आसपास में मौजूद है। तो एंजल्स आपको अलग अलग तरीकों से इंडिकेट करा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, राइट। अच्छा, अब इनसे सहायता मांगी कैसे जाती है एंजल्स के द्वारा, एंजल्स से हेल्प मांगी कैसे जाती है? ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया आपको, दूसरों की हेल्प करो तो एंजल बिना कुछ कहे आपकी हेल्प करेंगे। ये पहली बात समझ लीजिए, एंजल्स के साथ जो रूल है, दूसरों के लिए तुम देवता हो जाओ, एंजल तुम्हारे लिए देवता देवता है ही है, वो दे ही रहे हैं तुम्हें। तो एंजल्स की सहायता कैसे पाए, आप दूसरों की सहायता करो, पहली बात। दूसरी बात, इनसे सहायता मांगनी भी हो तो मांगो, कहो, क्या कहो, धन्यवाद करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो। कैसे, जैसे कोई एक रिश्ता बनाओ अपना प्यार भरा परमात्मा के साथ, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, कोई और प्यार भरा रिश्ता, माता पिता भाई बंधु स्वामी भगवान, जिस रूप में भी आप इनके साथ कनेक्शन बनाओ बनाओ, परमात्मा को किसी रूप में तो मानोगे ना, तू मेरा पिता है, तू मेरी माता है, तू मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है। लोगों ने हर भाव मांगा है परमात्मा के प्रति, वात्सल्य भाव मांगा है, प्रेम का भाव, पुत्र का भाव, पिता का भाव, जो आपको अच्छा लगे वो आप भाव बनाओ और उनसे मांगो और कनेक्शन फील करो। और आप पाओगे कि एंजल्स आपके जीवन में लगातार आपके जीवन को इंटरफेयर, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करते रहेंगे। एंजल्स हैं आपको एंजल बनाने के लिए। तो दूसरों के, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तब समझ लेना कि आप ही एंजल होते चले जा रहे हैं और एंजल्स आपके जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी कृपा से आप खुद भी आनंदित हो और सबको ये आनंद बांट सके। तो आपको पहचान करवाना है, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको अपने भीतर आज से एंजल बनने के लिए और सभी गुणों को स्वीकार करना है कि आप ही एंजल हो, और इन गुणों को बनाने का प्रयास करना है। डेफिनेटली जो अपने भीतर सुख पाएगा दूसरों को भी बांटेगा, और जो जितना बांटेगा, जो बांटेगा वही उसे भर भर के मिलेगा। आज ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान आपके लिए कभी जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। मोटिवेशन बांटना, आपके जीवन में कभी मोटिवेशन की कमी रहेगी। प्यार बांटना, जो लोग भी आपसे जिस रूप में भी कोई चीज की मांग रखते हैं, अगर वो आपकी आपकी ऑथेंटिक पावर में है, लॉजिकल चीज है, तो जरूर आप दें, उसके लिए इनकार ना करें। जो आप लॉजिकली दे सकते हैं, सोच समझ के साथ जो लॉजिकली दे सकते हैं तो देने का प्रयास करें। धन है धन बांटना, अन्न है अन्न बांटना, प्यार है प्यार बांटना, ज्ञान है ज्ञान बांटना, मोटिवेशन तो मोटिवेशन बांटना, जो जिसकी जरूरत हो वो पूरा करने का प्रयास करें। जब तक देह में प्राण है, देह देह कछु दे, कबीर साहब जी की वाणी है, जब नहीं रहेंगे प्राण तो कौन कहेगा दे। ये प्राण नहीं होंगे तो कोई कुछ तुझे थोड़ी कहेगा। अभी है, हिम्मत है तो लोगों को दे, और आप पाएंगे कि एंजल्स आपके साथ तरसते हैं आपके आसपास में आने को, वो आपको एंजल बनाकर खुश होते हैं कि आप ऐसे हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए ये सत्र इतना ही है, इसको यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, खूब खूब प्रेम और आशीर्वाद। अभी हम इस सत्र को जूम पर कुछ देर के लिए और कंटिन्यू करेंगे और इसको जो यूट्यूब पर इसे फिनिश करेंगे। हमारे प्रोग्राम जो हैं, अगले जो प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र में 6-7 जगह पर, जब यहाँ पर हम आने वाले हैं, आ रहे हैं, तो नागपुर 18 का प्रोग्राम है, तो कोशिश करें मार्च में, तो आप जो लोग आ सकते हैं जरूर प्रयास करें मिलने का वहां पर, जो लोग आ सकते हैं। तो 18 मार्च को नागपुर, फिर 19 को यवतमाल, फिर अमरावती 21 तारीख को, ऐसे ही हिंगोली, जालना और औरंगाबाद, इन जगहों पर प्रोग्राम्स हैं। जो लोग आ सकते हैं जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और वहां पर हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ये वीडियो दिया हुआ है इसको जरूर फॉलो करें, और ये हमारा फ्री काउंसलिंग नंबर है, आपकी कोई पर्सनल समस्या अगर आपको बात करनी है तो आप फ्री काउंसलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, सभी को ये फ्री काउंसलिंग नंबर दिया है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। परफेक्ट। मुंबई आएंगे हम लोग जून के फर्स्ट वीक में मुंबई का प्रोग्राम रहेगा, जरूर रहेगा, वो अभी आप आगे चल के अपडेट कर देंगे, अभी के लिए इतना। रायपुर का है 2 अप्रैल का, रायपुर छत्तीसगढ़ में 2 अप्रैल का रहेगा, तो तब तक आप अपना अपना जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो जरूर करवा लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जो यहाँ पर भी बैठे हैं जूम पर, तो वो लोग जूम पर शिफ्ट हो जाएं, यूट्यूब वाले जूम पर शिफ्ट हो जाएं, जो लोग यूट्यूब पर से गए हुए थे वो वापस जूम पर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फीस भी डाल दी है राघव जी ने, तो आप थोड़ा सा चेक कर लें, डेट्स चेक कर लें, सभी को हमने डाल दिया है। लेट कर मेडिटेशन कर सकते हैं, सुधीर यादव जी पूछ रखे हैं क्या लेटे हुए मेडिटेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें लोग। राइट, एक चीज जो लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। क्या उनके पास कोई दिव्य शक्ति है? डेफिनेटली उनके पास दिव्य शक्ति है, क्योंकि हम उस साधना को जानते हैं जो उन्होंने की है, उन साधनाएं उन्होंने की हैं और बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनके उनके इष्ट पे, उनका जो भरोसा है वो भी एक टाइप की, यही एंजल्स की पावर ही वहां पर शो हो रही है, सच में पावर है। और क्या हनुमान जी एक एक हम जैसे आम भक्त, क्या आपने अपने जीवन में चमत्कार नहीं देखे हनुमान जी के? बोलो हाँ या ना। रक्षा करी है ना, डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकाला है ना, हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। किसी एक एक व्यक्ति पर जो उनका खास भक्त हो, उस पर वो अपनी ऐसी ब्लेसिंग दे दें, ऐसी पावर दे दें जिसके द्वारा वो दूसरे का मन पड़ पाए, कोई बहुत बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा है, मतलब बात बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो असंभव है, नहीं असंभव नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है। अरे हम जैसे आम इंसान को भी सामने वाले की वाइब्रेशन तो समझ में आई जाती है कि सामने वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका ये भाव है वो भाव है, इसका ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इतना तो हम जैसों को समझ में आ जाता है। तो उनको अगर इतनी चीज क्लियरली समझ आती है तो उसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। और इसी बहाने वो सनातन धर्म के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनका मुख्य उद्देश्य है, और इसी बहाने से जब वो लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो क्या बुराई है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, कर पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ माइंड रीड कर रहे हैं, आप करके दिखा दो, अच्छा है ना, इसलिए छोड़ दो। बहुत ज्यादा कोई जाने की जरूरत, बहुत ज्यादा इस चीज को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बाकी धर्मों के जो लोग जब अपना प्रचार करते हैं, क्या आप वहां बोलते हो? जो लोग बहुत ज्यादा बातें बना रहे हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, क्या वहां बोलते हो आप? जो दूसरे धर्म वाले अपना अपना प्रचार करते हैं, कैसे वो हालेलुया हालेलुया कर रहे होते हैं और देखते हैं कि चमत्कार हो गया चमत्कार हो गया। कहाँ चमत्कार हो गया? अगर यहाँ थोड़ा सा चमत्कार दिख रहा है तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए। फिर भी अगर हो रही है तो होती रहे, इट्स ओके, अच्छा है। कुछ तो सनातन धर्म की शक्ति लोगों को पता चले, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर उस महाताकत को दूसरों के सामने आना चाहिए। शुक्र है लोग पहचान रहे हैं इस शक्ति को, दिक्कत क्या है? आपके भीतर ही वो शक्ति प्रकट हुई है, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपके भीतर ही वो ऊर्जा प्रकट है, आप भी उससे अलग नहीं है कि वही जाकर ही फील होगा क्या?
ऐसा नहीं है, जहां मौजूद हो। क्या अभी हमने इतनी सारी बातें सुनी समझ में नहीं आया क्या? एंजल्स मौजूद नहीं, आप ही के भीतर है। हनुमान जी की ऊर्जा को अगर आपके भीतर इनवाइट करना पड़े, अभी ट्यूसडे है ना, कल कल ही इनवाइट करके दिखा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। आप फील कर पाएंगे कि आपके भीतर भी हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा प्रकट हो सकती है, जिस पर्पज के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं लोगों का मन पढ़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं, उसके लिए विशेष साधना चाहिए, लेकिन आपको जिस ताकत की जरूरत है, क्या हनुमान जी आपके भीतर आकर वो आपको ताकत नहीं देते? बोलो हाँ या ना। हनुमान जी आपकी ताकत बन जाते हैं, आपकी हिम्मत बन जाते हैं, यही एंजल्स थेरेपी का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी वहीं पर, वो हनुमान जी और ये मैं, इसकी बजाय फील करो कि हनुमान जी मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है। जब जब कोई नेगेटिविटी आए तो अपने भीतर कहें कि मेरे अंदर ही हनुमान जी की पावर है। आप उनको जब बुला तो रहे हो, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट करके आप बुला रहे हो, तो जब आप बुला रहे हो, वास्तव में हनुमान जी की ऊर्जा आपके आपके ओरा में समाहित हो जाती है, तो आप ही वो रूप हो जाते हो। तो फिर आप जो काम करते हो वो उनकी ऊर्जा से, उनकी प्रेरणा से होता है। ये अच्छा है ना, एंजल थेरेपी को ऐसे समझो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सुंदर है, नमस्कार है ऐसे भक्तों को, ऐसे संतों को जो इस रूप में आकर संसार का कल्याण करें। दिक्कत क्या है, किसको दिक्कत है? जिनको है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, वो कुछ नहीं। जिनको दिक्कत है उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको वो प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सच में दिव्य कार्य कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत सुंदर है। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं यूट्यूब पर। जिनको आना है वो थोड़ी देर के लिए अगर जूम पर शिफ्ट होना चाहें, तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है जूम का, तो वहां पर आप हो सकते हैं। अगर आपने हमारे लिए फीडबैक नहीं दिया है, तो एक रिक्वेस्ट है सभी से, तो आप जरूर हमारे उसका फीडबैक भरेंगे। अगर आपने अभी तक फीडबैक नहीं दिया है तो जरूर भरिए। तो ये हमारा रिव्यू फीडबैक का लिंक है, यहाँ पर भी डाल दिया है और यहाँ पर भी लिंक डाल दिया, जरूर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे चैनल पर ही तो है ना, आप पूरा क्लियर कर दिए, चैनल से वीडियो वीडियो को तो देख रहे हो आप, ये चैनल पर ही तो है वीडियो, राइट? बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार से सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं। अभी ये वाला पार्ट यहाँ पर ओवर होता है। कोई किसी के एंजल नाराज नहीं होते, आप अपनी हरकतें सुधारें कि क्या मेरे एंजल मेरे से नाराज हैं। एंजल नाराज नहीं होते, अगर कुछ गलती लगती है अपने अंदर, आपको खुद ही अनुभव होता है, तो यही अच्छा है। ये भी आपके एंजल की ब्लेसिंग है जो आपको अनुभव करवा रहे हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, उसको ठीक करो, सुधारो। कमियां तो हैं, नाराज होकर भाग नहीं जाते वो कभी, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते वो कभी भी, राइट? वो अपना काम जरूर करते हैं, आप भी अपना काम करें। कुछ गलतियां हैं तो माफी मांगे मन वचन कर्म से, अगर मैंने किसी के प्रति कुछ गलत किया तो मुझे माफ करो, मुझे रास्ता दिखाओ, प्रॉब्लम क्या है इसमें, कोई समस्या नहीं है, निश्चिंत रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसको यूट्यूब पर फिनिश कर